3 नवंबर 2023 उर्फी जावेद मुंबई के एक कैफे में बैठी होती है। तभी अचानक से दो लेडी पुलिस अपने गाड़ी से उतरती है और सीधे उर्फी जावेद को अपने गाड़ी में बैठने को बोलती है। क्या बदतमीजी है ये? इस इंसिडेंट के कुछ ही घंटों बाद मुंबई पुलिस द्वारा उर्फी जावेद के अरेस्ट की न्यूज ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर प्लेटफॉर्म पर आग की तरह फैल जाती है। उर्फी जावेद के इस अरेस्ट के लिए मुंबई पुलिस को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ झूठ था। जो लेडीज पुलिस बनकर आई थी वो रियल पुलिस थी ही नहीं। इवन मुंबई पुलिस ने उर्फी जावेद और उसके साथ जो लेडीज पुलिस बनकर आई थी उन पर केस फाइल कर दी और उनकी कार भी सीज कर दी। मतलब इससे इतना तो क्लियर हो जाता है कि ये सब कुछ बस चर्चा में रहने के लिए और सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का अटेंशन खींचने के लिए किया जा रहा है। अब इस बंदे को देख लो, ओरी, who doesn't know ओरी is? इसे आज की डेट में कौन नहीं जानता। अब जरा सोच कर देखो कि ओरी कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कुछ भी है नहीं, राइट? लेकिन आज की डेट में ये बंदा कई सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स इन सब से कई गुना फेमस है। जितना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नहीं कमाते उतना ये बंदा कमाता है। लेकिन कैसे? पिछले 4 महीनों तक किसी को इस बंदे का नाम तक नहीं पता था। ये बंदा कोई मूवी या वेब सीरीज किए बगैर ही इतना फेमस कैसे हो गया? द रीजन इज एक पापाराजी कल्चर। अब ये पापाराजी कल्चर क्या है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये कितना पैसा कमाते हैं और कैसे आजकल हर कोई फेक पीआर से फेमस हो रहा है, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस होगा आज की इस वीडियो में। वैसे इस वीडियो में आगे मैंने पापाराजी कल्चर को लेकर बहुत सारी इनसाइडर और शॉकिंग चीजें डिस्कस की है, लेकिन अभी के लिए मोटा मोटा इतना समझ लो कि पापाराजी मतलब कुछ ऐसे फोटोग्राफर्स होते हैं जो एक्टर्स, म्यूजिशियंस, एथलेट्स, पॉलिटिशियंस और हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज के फोटोज खींचते हैं। लेकिन ये फोटोज नॉर्मल पोज वाले फोटोज नहीं होते हैं, बल्कि कैंडिडेट फोटोज होते हैं जिसमें मोस्टली उन सेलिब्रिटीज की डे टू डे लाइफ को शो किया जाता है। आजकल ये पापाराजी कल्चर इतना फैला हुआ है कि डेली आपके सामने कोई ना कोई पीआर स्टंट होता ही है जो रियल दिखता है, बट एक्चुअल में सब कुछ फेक और प्रीप्लान्ड होता है। किसी क्रिकेटर ने किसी के पोस्ट पर कमेंट कर दी, किसी पॉलिटिशियन ने अपोजिशन के बारे में कुछ भला बुरा कह दिया, तैमूर कब स्कूल जाता है, कब स्कूल से वापस आता है, ये सब कुछ पीआर स्टंट्स होते हैं। लेकिन ये जितना नॉर्मल आपको दिखता है उतना नॉर्मल होता नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी डार्क रियलिटी छुपी है। ये अपने आप में इतना बड़ा सेक्टर बन चुका है, इससे पापाराजी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यहां तक कि इन पापाराजी के पास इतना पावर है कि ये किसी भी नॉर्मल बंदे को उठाकर सेलिब्रिटी बना सकते हैं और किसी बड़े सेलिब्रिटी को बॉयकॉट तक कर सकते। लेकिन आखिर ये पापाराजी कल्चर शुरू कैसे हुआ और अचानक से ये इतना पॉपुलर कैसे बन गया? 1960 में ला डोल्सी विटा नाम की एक इटालियन मूवी रिलीज हुई थी। इस मूवी में पापाराजो नाम का एक कैरेक्टर था। इस मूवी में पापाराजो नाम का ये जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर होता है जो उस मूवी के लीड एक्टर के आगे पीछे रोम की सड़कों पर घूमता है ताकि वो उस एक्टर का 1 in a million वाला फोटो खींच सके। आगे चलकर इसी पापाराजो नाम के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर सेलिब्रिटीज के कैंडिडेट फोटोज खींचने वाले फोटोग्राफर्स को पापाराजी कहा जाने लगा। 90s के आते आते ये पापाराजी कल्चर वेस्ट में बहुत पॉपुलर हो चुका था और वैसे इंडिया में ये पापाराजी कल्चर साल 2000 के बाद आना शुरू हुआ था, लेकिन 2016-17 के बाद ये कल्चर इंडिया में बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया। आज की डेट में ये कुछ लोग हैं जो इंडिया के पॉपुलर पापाराजी है। विरल भायानी जिनके सिर्फ इंस्टाग्राम पर 8.7 मिलियन फॉलोअर्स है, वरिंदर चावला जिनके 3.2 मिलियन फॉलोअर्स है, मानव मगलानी जिनके 4.5 मिलियन फॉलोअर्स है और योगेन शाह जिनको इंडियाज फर्स्ट पापाराजी भी कहा जाता है उनके 3.1 मिलियन फॉलोअर्स है। लेकिन इनका एक्चुअल काम क्या होता है? ये एरॉन पैरफिट है जो एक फेमस अमेरिकन पापाराजी है। एरॉन एक इंटरव्यू में कहता है कि लोगों को लगता है कि हम पापाराजी सेलिब्रिटीज के फोटोज खींचने के लिए उनके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन इन रियलिटी कुछ सेलिब्रिटीज खुद उन्हें कॉल करते हैं और उनके फोटोज खींचने के लिए बोलते हैं। Oh, so either a celebrity will text me, an agent, a restaurant or a bar, and they'll say we've got this person going in, or if it's a celebrity, they'll say I'm going to this restaurant at like 7 o'clock. Can you be there to get me going in? एरॉन ने ये तक कहा है कि उनके 80% फोटोज जो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं या मीडिया एजेंसीज को सेल करते हैं वो एडवांस में शूट करके रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एरॉन ने कहा कि कई बार उनको सेलिब्रिटीज अपने साथ हॉलीडेज पर लेकर जाते हैं, वो लोग एक ही बार में उस सेलिब्रिटीज के 6 अलग-अलग बिकिनीज पर फोटो खींचते हैं और फिर उन्हीं को 1 महीने तक अपलोड करते हैं ताकि उस सेलिब्रिटी के फैंस को लगे कि उनकी फेवरेट सेलिब्रिटी लाइफ को कितना एंजॉय कर रही है, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। मैलिन एंडरसन नाम की एक इन्फ्लुएंसर है जो बताती है कि बहुत लोग इस फेक पीआर को छुपाते हैं, लेकिन मैं इस चीज को ओपनली एडमिट करती। वो बताती है कि इनिशियली उन्हें ऐसे फेक पोजेस देने में बहुत ऑकवर्ड फील होता था, लाइक उन्हें ऐसा प्रिटेंड करना होता था कि वो अपने फोन में बिजी है, लेकिन फिर धीरे-धीरे करके उनके लिए सब कुछ नॉर्मल हो गया। There are a lot of people who use paparazzi to perform and
lot of times they perform better in front of the paparazzi camera than in front of the real camera. So, मतलब क्या सभी celebrities ऐसी fake lifestyle को flex करने के लिए paparazzi को खुद call करके बुलाते हैं? तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं. जो बड़े-बड़े celebrities होते हैं, like शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, इन लोगों की PR team paparazzi को तभी बुलाती है, जब इनकी कोई movie या project आने वाला होता है. वरना normally paparazzi खुद इनको follow करते हैं, उनकी cast के आगे पीछे भागते हैं. लेकिन इन paparazzi को कैसे पता चलता है कि कौन सा celebrity कहां पर जाने वाला है या कहां पर hang out कर रहा है? तो देखो मैंने कुछ देर पहले बताया था कि इंडिया में विरल भयानी इंस्टेंट बॉलीवुड मानव मंगलानी जैसे कुछ इंस्टाग्राम पेजेस है, फेसबुक पेजेस है, यूट्यूब चैनल्स है जिन पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है. और हो सकता है कि आप भी इनमें से किसी ना किसी पेज को फॉलो करते होंगे. अब इन पेजेस के जो ओनर्स है लाइक मानव मंगलानी, योगेन शाह, वरिंदर चावला, इन लोगों के अंडर 15 से 20 या उससे भी ज्यादा फोटोग्राफर्स की एक टीम होती है. इस टीम को ये लोग अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं. लाइक कोई बांद्रा सर्कल को कवर करता है, कोई जुहू एरिया को कवर करता है, कोई सेलिब्रिटीज को फॉलो करता है, तो कोई एयरपोर्ट पे रहता है. अभी जो पापाराजी होते हैं ये लोग उनके टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन सेलिब्रिटीज के घर के जो वॉचमैन होते हैं, उनके जो ड्राइवर्स होते हैं, उनको भी ये लोग ब्राइब देते हैं ताकि वो लोग इनको इन्फॉर्म करते रहे कि ये सेलिब्रिटीज कब घर से बाहर निकलने वाले और कहां पर जाने वाले हैं. यहां तक कि इन पापाराजी को सेलिब्रिटीज के कार्स के नंबर्स तक याद करने पड़ते हैं. सब सेलिब्रिटी के गाड़ी के नंबर याद है मेरे को, बांद्रा से लेके जू तक हम लोग फॉलो करते हैं. इतने साल से गाड़ी देखते देखते ना वो नंबर फटक से क्लिक हो जाते हैं, यहाँ ये इसका गाड़ी है, ताकि वो उनके कार को फॉलो कर सके. अब जैसे इन पापाराजी के पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है या कोई सेलिब्रिटी इनके पर्टिकुलर एरिया में स्पॉट हो जाता है, तो ये पापाराजी अपनी जी जान लगा देते हैं उनकी एक फोटो खींचने के लिए. और जैसे ही उनके पास कोई फोटो आ जाती है तो विदिन मिनट्स वो फोटोज वो अपने बॉस को उनके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भेजते हैं. मेरा फोटोज का ग्रुप है, मेरी टीम सारे फोटोज शेयर करेगी, तो ये फोटोज मेरे पास आते रहते हैं. लेकिन इन फोटोज का ये लोग करते क्या है? तो यहाँ पर आता है पापाराजी का असली बिजनेस. जैसे ये पापाराजी उन्होंने क्लिक किए हुए फोटोज को उनके बॉसेस को भेजते हैं, तो विद इन फ्यू मिनट्स उनके बॉसेस उन फोटोज को उनके क्लाइंट्स को भेजते हैं, लाइक मैगजीन्स, मीडिया आउटलेट्स और न्यूज़पेपर्स. और उनमें से कुछ फोटोज ये लोग अपने खुद के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी अपलोड कर देते हैं, जिससे उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस और क्रेडिबिलिटी दोनों बिल्ड हो जाते हैं. सो आई सेंड माय पिक्चर्स टू लाइक ऑल द नेशनल न्यूज़पेपर्स लाइक द डेली मेल, द सन एंड ऑल द मैगजीन्स. आई आल्सो सेंड देम इनटू एन एजेंसी सो देन दे विल डिस्ट्रीब्यूट देम आउट टू वर्ल्ड वाइड, लाइक दे विल गो टू America, Australia and Spain and things like that. And you will be shocked to know कि ये पूरा minutes का खेल होता है. अगर गलती से भी किसी एक पापाराजी से पहले किसी दूसरे बंदे ने वो सेम फोटो उसके बॉस को भेज दिया और अगर उन्होंने उस फोटो को सबसे पहले अपने क्लाइंट को डिलीवर किया, तो बाकी पापाराजी ने जो फोटो सेलिब्रिटीज के पीछे भाग भाग कर दिन भर धूप में खड़े होकर और सेलिब्रिटीज के ताने खा खा कर खींची होती है, वो सब मेहनत जीरो बन जाती है, क्योंकि उन फोटो से जो एक्सक्लूसिविटी उनको मिलने वाली थी वो किसी और को मिल जाती है. लेकिन ये न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और मीडिया आउटलेट्स इन पापाराजीज को फोटोज के लिए पैसे क्यों देते हैं, जबकि वो डायरेक्टली पापाराजी के सोशल मीडिया हैंडल से उन्हें डाउनलोड करके उन्हें यूज कर सकते हैं? तो देखो इसका रीजन ऐसा है कि ये जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और मीडिया आउटलेट्स होते हैं, इन्हें पब्लिकेशंस के लिए हाई क्वालिटी और प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं. इसलिए जो फोटोग्राफ्स इन पापाराजी के सोशल मीडिया हैंडल पर अवेलेबल होते हैं, उनकी क्वालिटी प्रिंटिंग के लेवल की नहीं होती. और उसमें भी अगर किसी एजेंसी ने उन फोटोज को कहीं और से कॉपी किया, तो आगे चलकर उन्हें उन फोटोज को विदाउट परमिशन यूज करने के लिए लीगल इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं. इसीलिए जो रिप्यूटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो सोचती है कि बाद में कोई लीगल इश्यूज फेस करने से बेटर है कि एक बार के लिए इन पापाराजी को पैसे देकर फोटोज खरीद लिए जाए. द वीक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पापाराजी जहां पहले कुछ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ रुपीस कमा पाते थे, वही ये लोग आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं. इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पापाराजी को एक फोटो खींचने के लिए 10,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच में अमाउंट मिलती है, डिपेंडिंग ऑन द सेलिब्रिटी जिसकी वो फोटो खींचते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि इतना सारा पैसा खर्च करके ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कुछ सेलिब्रिटी जो खुद इतने पॉपुलर होते हैं, उन्हें फेक पीआर या इन पापाराजी की क्यों जरूरत पड़ती है? कई सेलिब्रिटीज जो खुद इतने पॉपुलर होते हुए भी पापाराजी को क्यों बुलाते हैं, इसके पीछे मेनली ये तीन रीजंस हैं. रीजन नंबर वन, टू स्टे रिलेवेंट इन द मार्केट. चलो इसे दो एंगल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, एक तरफ कोई इंस्टाग्राम या यूट्यूब क्रिएटर है और दूसरी तरफ कोई बॉलीवुड एक्टर है. अब ये जो क्रिएटर है वो रेगुलर बेसिस पर अपने चैनल पर कॉन्टेंट अपलोड करता है, क्योंकि उसका कॉन्टेंट ही उस टाइप का होता है जो रेगुलर बेसिस पर क्रिएट किया जा सकता है. इसलिए उस क्रिएटर को अपने फॉलोअर्स की नजरों में रिलेवेंट रहने के लिए किसी पापाराजी या फेक पीआर की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन वही दूसरी तरफ जो बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं,
उनकी एक दो साल में एक हाथ दो मूवीज आती है, इसीलिए उनको अपने फैंस की नजरों में रिलेवेंट रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। इसीलिए भले ये लोग फेमस होंगे, लेकिन इन्हें मार्केट में रिलेवेंट रहने के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअसली मीडिया कवरेज में रहना ही पड़ता है, और ये कवरेज उनको सिर्फ पापाराजी ही दे सकता है। रीजन नंबर टू, टू गेट ब्रांड प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप्स। वो कहता है ना, जो दिखता है वही बिकता है। फिर से उर्फी जावेद का एग्जांपल ले लो। ये उन सीरियल्स की लिस्ट है जिनमें उर्फी जावेद ने अलग अलग रोल्स किए हैं। लेकिन क्या आप में से ऐसा कोई भी इंसान है जो उर्फी जावेद को उसके सीरियल्स की वजह से जानता है? उर्फी को रिकॉग्निशन तब मिला जब उसने अतरंगी कॉस्ट्यूम्स पहनना शुरू किया और पापाराजी से मीडिया कवरेज लिया। नवंबर 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग उर्फी जावेद की नेटवर्थ 173 करोड़ रुपीज है, और अब वो किसी भी सीरियल में काम करने के लिए एक एपिसोड के 30,000 रुपए चार्ज करती है। और अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो उर्फी जावेद एक रील के लिए 5-6 लाख रुपए, एक स्टोरी के लिए 1-2 लाख रुपए, स्टैटिक पोस्ट के लिए 2.5 से 3.5 लाख रुपए और इंस्टाग्राम कैरोसेल के लिए 4 से 5 लाख रुपए चार्ज करती है। इस वेबसाइट को देखो, इस वेबसाइट का मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन इस वेबसाइट से आप फेक पापाराजी और बॉडीगार्ड हायर कर सकते हो जो दिन भर आपके आगे पीछे घूमेंगे ताकि बाहर से देखने वाले को लगे कि आप कोई बहुत बड़ी हस्ती हो। यानी जिन लोगों को सोशल मीडिया पर हाई लेवल की विजिबिलिटी मिलती है उन्हें ब्रांड प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और इसीलिए ये लोग हाई विजिबिलिटी के लिए पापाराजी से मीडिया कवरेज लेते हैं। एंड रीजन नंबर 3, टू प्रमोट अपकमिंग मूवी। जैसे ही कोई सेलिब्रिटी की कोई नई मूवी आने वाली होती है तो आप देखोगे कि उसके कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर हर जगह उसी एक्टर की चर्चा चल रही होती है। फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस, यूट्यूब चैनल, ट्विटर, हर प्लेटफॉर्म पर उसी बंदे का नाम सुनने को मिलता है। और इतना ही नहीं, अचानक से ये लोग आपको मंदिरों में जाते हुए दिख जाएंगे, चैरिटी करते हुए दिखेंगे, गरीबों की मदद करते हुए दिख जाएंगे। अब हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हो जो सच्चे मन से ये सब करते हो, लेकिन 99% ऑफ द टाइम ये सब पीआर स्टंट्स ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, 2020 में दीपिका पादुकोण की छपाक नाम की एक मूवी आने वाली थी, और उसी दौरान इंडिया में सीए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बवाल चल रहा था। 10 जनवरी 2020 को दीपिका की मूवी रिलीज होने वाली थी, और उसके ठीक 3 दिन पहले यानी कि 7 जनवरी 2020 को दीपिका जेएनयू में जाकर उन स्टूडेंट्स के साथ सीए के अगेंस्ट खड़ी हुई थी। और मुझे नहीं लगता कि दीपिका जी को सीए का लॉन्ग फॉर्म तक पता होगा, इसीलिए दीपिका के इस एक्ट को लेकर ट्विटर पर बॉयकॉट छपाक और ब्लॉक दीपिका जैसे हैशटैग्स भी ट्रेंड करने लगे थे। सो अब इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं या पब्लिसिटी स्टंट, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आप सोशल मीडिया पर जो भी देखते हो वो 100% सच नहीं होता, उनके पीछे बहुत बार या फिर कह लो 80-90% टाइम्स पीआर ही होता है। उनका पर्पस बस इतना होता है कि कैसे भी करके आपका अटेंशन ग्रैब किया जाए ताकि वो लोग चर्चा में रहे। इवन मैंने ये तक देखा कि बहुत लोग ऐसे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल को देखकर खुद का मॉरल डाउन कर लेते हैं, उनके जैसी लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन देखा जाए तो इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज की लाइफ बस कैमरे के सामने ही लैविश दिखती है, और बिहाइंड द कैमरा कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है। कई सेलिब्रिटीज का पूरा फेम ही ऑलमोस्ट पापाराजी पर ही डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल, जो लोग पापाराजी को यूज करते हैं सिर्फ वही लोग चर्चा में रहते हैं, और जो नहीं करते उन लोगों का नाम तक किसी को याद नहीं रहता अंटिल एंड अनलेस वो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो। कमेंट में ऐसे सेलिब्रिटीज के नाम लिख दो जो आपको लगता है कि सिर्फ पापाराजी की वजह से चल रहे हैं।